and it sounds something like this. Dil diya galla. So yes guys, I'm back again with another Band Lab video. तो आज हम बैंड लैब पे ब्रेक डाउन करेंगे मेरे ही एक कवर सॉन्ग का, विच इज दिल दियां गल्लां। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो मेरा कवर सॉन्ग बना है, जो आपने सुन लिया होगा ऑलरेडी, अगर नहीं सुना यू कैन गो एंड लिसन टू इट, इट्स अमेजिंग। सो वो मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर पे बनाता हूँ, पीसी पे बनाता हूँ, एंड द सॉफ्टवेयर नेम इज एबल्टन लाइव। सो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फोन की स्क्रीन पे। सो या ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, स्क्रीन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ग्रैंड पियानो। सो ग्रैंड पियानो अगर मैं ओपन करूं, सो इट साउंड समथिंग लाइक दिस। और ये रहा पियानो रोल, वही हमेशा की तरह कॉर्ड्स, यू कैन लिसन टू इट। सो या आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीज बताता हूं। जैसे कि मैं हमेशा आपकी हेल्प करता रहता हूं, वैसे ही मैं अगेन आपको अमेजिंग तरीके से हेल्प करने के लिए आगे आया हूँ। और मैंने एक तरीका निकाला है, आप सिंगर हो, रैपर हो, कंपोजर हो, म्यूजिशियन हो, तो आपको अपनी इस आर्ट को म्यूजिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। म्यूजिक इंडस्ट्री में हो क्या रहा है? शिफ्ट हो रहा है बहुत बड़ा, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की राइज होने वाली है। बिल्कुल, घर बैठे बैठे इंसान गाने रिलीज कर सकता है। तो आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास जाते हो म्यूजिक प्रोड्यूस करवाने, तो वो आपसे आराम से एक गाने का 10-12 हज़ार से लेके 20 हज़ार तक ले लेगा आपसे। और आप एक गाना बनवाने के लिए 12 हज़ार रुपए खर्च करते हो, तो ऐसा तो है नहीं आपको लाइफ में सिर्फ एक गाना रिलीज करना है। आज की डेट में म्यूजिक कंजम्पशन भी बढ़ चुका है और म्यूजिक प्रोडक्शन भी बढ़ चुका है। आपको एटलीस्ट एक साल में एटलीस्ट 10 गाने तो रिलीज करने पड़ेंगे। तो एक साल के 10 गाने के हो गए अराउंड 1 लाख to 1.5 लाख रुपीज। तो सोल्यूशन क्या है, आप खुद म्यूजिक प्रोडक्शन सीख लो। आई स्टार्टेड मेकिंग कवर्स हिंदी सॉन्ग्स लाइक एनी अदर आर्टिस्ट। तो अपना खुद का म्यूजिक प्रोडक्शन करके आई यूज्ड टू डू समथिंग, कुछ अलग करता था म्यूजिक प्रोडक्शन वाइज और गाता था गाने। अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने जाते हो तो आप खुद इंटरनेट पर सर्च कर लो म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स के प्राइसेस, और आपको इंटरनेट पे मिलेगा कि एक प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स कॉस्ट अराउंड 1 लाख और कुछ केसेस में 1.5 लाख भी जाता है। और उसके साथ आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर भी खरीदना पड़ेगा। और एबल्टन लाइव और एफएस स्टूडियो से सॉफ्टवेयर्स के प्राइस भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, वो अराउंड 50,000 रुपीज के करीब आते हैं। तो आपका टोटल खर्चा हो गया 2 लाख रुपए। बट मैं आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, प्लस आपको पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स भी दूंगा सिर्फ कितने में, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपीज, नो, जस्ट फॉर 13,999। और ये जो कोर्स होगा इसमें आपको मिलेंगे 22 to 24 लेक्चर्स, और एवरी वीक फॉर 3 मंथ्स मैं आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगा। और एक बार आपका कोर्स कंप्लीट होता है देन यू विल हैव माय लाइफ टाइम सपोर्ट। आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको कोई स्पेसिफिक तरीके का म्यूजिक बनाना है तो आप उसके लिए मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो। मैं आपको वीडियो कॉल या फिर जूम कॉल के जरिए आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा और आपको पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। और म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने का बेनिफिट ये भी है, आप पैसा सेव तो कर ही रहे हो, प्लस आप मेरे जैसा प्रोफेशनल म्यूजिक बना सकते हो, प्लस आप अर्न भी कर सकते हो। एक न्यू म्यूजिक प्रोड्यूसर आराम से चार्ज कर सकता है अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज एक म्यूजिक ट्रैक बनवाने का। और अगर आपके लोकेलिटी के आसपास कोई भी सिंगर है या कोई म्यूजिशियन है जिसको म्यूजिक प्रोड्यूस करवाना है, आप उसके लिए 4 to 5,000 रुपीज में म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हो। और अगर आप एक महीने में ऐसे 3 से 4 लोगों को पकड़ लो देन यू इजीली मेक 15 to 20,000 रुपीज अ मंथ। और एक बार आपको म्यूजिक प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस हो जाता है देन यू कैन इजीली चार्ज अराउंड 8,000 to 10,000 रुपीज फॉर अ सिंगल ट्रैक, एंड यू कैन इजीली मेक 40,000 to 50,000 रुपीज अ मंथ, इवन 1 लाख अगर आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स हैं। और इस प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक पीसी की जरूरत है। But I had my mic, laptop था मेरे पास। और एक बार अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीख लेते हो तो आपको स्ट्रीमलाइन दिखेगा कि आप म्यूजिक में कुछ कर रहे हो, आप ट्रैक्स बना पा रहे हो, आप एक के बाद एक ट्रैक्स रिलीज कर पा रहे हो। और एक बार आप ट्रैक्स रिलीज करने लगते हो, आप ट्रैक्स प्रोड्यूस करने लगते हो, तो आपको पता है आपकी आर्ट लिमिटेड नहीं है, आप लोगों तक अपने टैलेंट को म्यूजिक में कन्वर्ट करके आगे लोगों को प्रेजेंट कर पा रहे हो। सो यस, इंडस्ट्री का फ्यूचर तो मैं देख रहा हूँ, आर्टिस्ट जो है हमारे जो चलो सिंगर्स है, कंपोजर्स, सॉन्ग राइटर्स आर गोइंग टू गो ऑल इंडिपेंडेंट नाउ, एंड यू कैन गेट दिस कोर्स जस्ट फॉर 13,999। और स्टूडेंट्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल ऑफर्स हैं, सो जस्ट डीएम मी ऑन माई व्हाट्सएप, माई व्हाट्सएप इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, सो जस्ट डीएम मी राइट नाउ और अपनी प्रोफेशनल म्यूजिक जर्नी शुरू कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो सेकेंड ट्रैक है उसको अगर मैं सोलो करके सुनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से साउंड करता है। हियर इज द पियानो रोल।
सो यार, जैसे कि मैंने अर्लियर वीडियोज में भी बता रखा है, ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट डालने के लिए आपके गाने में यूज होता है, ताकि आपका गाना खाली खाली ना साउंड करे कि सिर्फ कॉर्ड्स बज रही हैं और सिंथ्स बज रहे हैं और वोकल्स चले हैं. इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग. और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्द से जल्द पहुंचना है और ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है. सो या चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हर हफ्ते लेकर के आता रहता हूँ, कभी कवर म्यूजिक वीडियोस के साथ, कभी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के साथ और कभी कुछ फन म्यूजिक रिलेटेड वीडियोस के साथ. सो या प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और दबा के शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके. सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सिंथ्स कैसे बने. सो इफ आई सोलो दिस, तो हमारे सिंथ कुछ इस तरीके से साउंड कर रहे हैं. ये वही सेम कॉर्ड्स हैं जो कि हमारे ग्रैंड पियानो में यूज हुई थी. सो या जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सिंथ्स एक एम्बियंस और गाने को फिल करने के लिए दिया जाता है ताकि गाना खाली खाली ना साउंड करे. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनल म्यूजिक बनवाना है, यू कैन DM मी ऑन माय व्हाट्सएप इज लिंक्ड बिलो. आप जैसे उस पर क्लिक करोगे मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा एंड आपको प्राइस चार्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और आई विल मेक अमेजिंगली प्रोफेशनल म्यूजिक फॉर यू एट अ गुड प्राइस. रीच आउट टू मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. सो अब आगे बढ़ते हैं. सो अब देख लेते हैं कि बीट कैसे बनी. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बीट, सो मैं यहाँ जाता हूँ और बीट हमारी साउंड कर रही कुछ इस तरीके से और यह है उसका पियानो रोल. और देखते हैं कि हमारे अगले ट्रैक में क्या हो रहा है. सो ऑब्वियसली वोकल्स दी मोस्ट अमेजिंग पार्ट. और ये जो वोकल्स बने हैं, मैंने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रखा है अपने अर्लियर दो वीडियोस में. उसमें मैंने ऑटो ट्यून के बारे में भी बताया और मैंने वोकल्स को क्लियरली रिकॉर्ड कैसे किया जाता है और उनको एडिट कैसे किया जाता है क्रिस्प वे में कि वो क्रिस्प साउंड करे. सो उन वीडियोस का लिंक एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे जा करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं. सो जस्ट लिसन टू द वोकल्स, हाउ अमेजिंग दे साउंड्स. दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख. शायद मुझे अगर ये बातें पहले पता होती जब मैंने म्यूजिक की शुरुआत की थी तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती. सो या मैं आपको अभी से ही बोल रहा हूँ, अगर आप उस ले लेते हो तो कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना होता है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड बाय द कोर्स राइट नाउ एंड इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड अब आगे देखते हैं कि ये वोकल्स मैंने बनाए कैसे. सो या हम देखते हैं कि इफेक्ट्स पे जा करके क्या क्या यूज़ हुआ है. मैंने ये वाला इफेक्ट यूज़ किया है और इसमें मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ किया. आपको बस करना क्या है, आप स्टूडियो रिवर्ब पे जाओ और स्टूडियो रिवर्ब में जाकर के ये टाइप लिखा है जहाँ पे बेसिक लिखा है या कुछ और लिखा होगा, आप इस पे क्लिक करके आप बेसिक पे क्लिक कर लो और विड्थ रूम साइज और डैम्पनिंग को पूरा बढ़ा लो और जो मिक्स है उसको 12, 10, 11 के आसपास रखना और चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो. और थोड़ा सा अगर आपको और क्रिस्पी चाहिए तो आप हाईस को थोड़ा और बढ़ा सकते हो. हाई जहाँ लिखा है आप उस हाई को थोड़ा सा खींच के बढ़ा सकते हो और मिड को थोड़ा सा खींच के बढ़ा सकते हो एंड द वोकल्स विल साउंड जस्ट अमेजिंग. यू कैन हियर दिस. दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला. I just get lost in these vocals. So yeah. और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेस कैसे बना. सो बेस हमारा साउंड कर रहा है कुछ इस तरीके से. सिंपल है. या सो पूरे गाने को होलिस्टिकली सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना. मैं लिटरली आप लोग को हेल्प करना चाहता हूँ. सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस हर हफ्ते लेकर के आता रहता हूँ. और प्लीज़ वीडियोस को लाइक करो, ये मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है. और वीडियोस को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके. और गाइस 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्द से जल्द पहुंचना है. सो आपके सपोर्ट के बिना हो नहीं पाएगा. सो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और औरों से भी सब्सक्राइब करवाओ. और अब सुनते हैं कि फाइनली साउंड कैसा कर रहा है. And it sounds something like this. Dil diya galla karange naal naal bae.
सो या गाइस दैट वाज द वीडियो और ये रहे कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस. यू कैन गो एंड चेक आउट सम बैंड लैब रिलेटेड वीडियोस एंड आल्सो माय अमेजिंग कवर म्यूजिक वीडियोस. और प्लीज अगेन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना. वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.